हम में से बहुत सारे 90s के बच्चे होंगे जिनके बचपन का कार्टून्स बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हीं कार्टून्स के बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे राज भी छुपे हुए हैं जिनको जानने के बाद आपको इन कार्टून्स को देखने का नजरिया काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा एंड डेफिनेटली 90s किड्स को अपना बचपन बहुत ज्यादा याद आएगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मिकी माउस की बात शायद डोनाल्ड डक डिज्नी का एक बहुत ही आइकॉनिक मैस्कॉट है, लेकिन इस आइकॉनिक मैस्कॉट का पास्ट कुछ ज्यादा ही डार्क था और स्क्रीन पर जो उसका टेंट्रम और इरेटिक बिहेवियर हमें बहुत ही ज्यादा फनी लगता है, शायद उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू सम फैंस ये उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1943 की प्रोपेगेंडा फिल्म द फ्यूअर्स फेस के अंदर डोनाल्ड डक को एक नाजी वर्कर दिखाया गया था जो हिटलर रूल के अंदर काफी मैलनरिस्ट और ओवरयूज्ड वर्कर के रूप में दिखाया गया था, जहां पर जब भी उसे हिटलर का फेस दिखता है वो हेल हिटलर कहता है। और फैंस के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद डोनाल्ड डक पर पड़ा हुआ यही स्ट्रेस उसके टेंट्रम का जिम्मेदार है। साथ ही साथ इससे पहले भी 1941 में रिलीज हुए डोनाल्ड डक अर्ली टू बेड शॉट के अंदर भी डोनाल्ड डक को हेल हिटलर कहते हुए दिखाया गया था। तो काइंड ऑफ ये थ्योरी कंफर्म हो सकती है कि डोनाल्ड डक एक्चुअली नाजी पार्टी का हिस्सा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ब्लेंडर एक बहुत ही पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप 3D मॉडलिंग, 3D एनिमेशन और 3D एसेट्स तक डिजाइन कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप वीडियो गेम या विजुअल इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं। और आज के जमाने में 3D एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग वैल्यूएबल स्किल है, लेकिन एज अ बिगिनर ब्लेंडर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D सॉफ्टवेयर हो सकता है। लेकिन थैंकफुली आवर ब्लेंडर गुरु एंड्रू प्राइस, जिन्हें देखकर बहुत सारे 3D आर्टिस्ट ने अपनी शुरुआत की थी, स्पेसिफिकली उनके डोनट ट्यूटोरियल को देखकर। लेकिन आज से पहले प्रॉब्लम ये थी कि ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में था, बट अब मेरी आवाज के साथ आप उनके ट्यूटोरियल को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी हिंदी में, और इसका पहला लेसन अब हिंदी में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस वीडियो की लिंक पर जाइए और उस वीडियो के नीचे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो हम इसके बाकी पार्ट्स को भी जल्द ही रिलीज करेंगे। पालक खाओ बॉडी बनाओ इस सेहत का ज्ञान हम में से बहुत सारे मिलेनियल्स को पॉपॉय द सेलर मैन ने ही दिया था, लेकिन क्या पॉपॉय द सेलर मैन एक्चुअली किसी रियल लाइफ इंसान पर ही मॉडल किया गया था? वेल, पॉपॉय के क्रिएटर एलसी क्रिजलर सेगर अमेरिका के इलिनॉइस में पले बढ़े थे और उनके बचपन के जमाने में एक फ्रैंक फीगल नाम का इंसान हुआ करता था जिसके फीचर्स और लुक्स काफी ज्यादा सिमिलर थे। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पाइप स्मोक करता था और छोटी मोटी बात पर सबसे लड़ाइयां करता रहता था। एंड डेफिनेटली इससे बढ़िया जिंदा कैरेक्टर किसी फिक्शनल कैरेक्टर के लिए और कौन हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि एलसी क्रिजलर सेगर ने उनकी डेथ यानी 1938 तक रेगुलर चेक्स भेजा करते थे, जो बेसिकली उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका था। आज के जमाने में भी प्री स्कूलर्स के लिए बहुत सारे टीवी शोज आते हैं, स्पेसिफिकली एनिमेटेड टीवी शो, लेकिन जब हमारा जमाना था तो हम में से बहुत सारे लोग विनी द पू एंड फ्रेंड्स देखकर बड़े हुए थे। लेकिन मुझे फिलहाल रिसेंटली शो के पीछे का एक बहुत ही सैड रीजनिंग जानने को मिला, जहां पर वैसे तो डिज्नी की ये शो ए माइन और ईएच शेपर्ड की किताब पर बेस्ड थी जो 1920 के जमाने में रिलीज किए गए थे, जहां पर विनी बेसिकली लंदन जू में मौजूद एक बियर के नाम के ऊपर रखा गया था। लेकिन बात बस इतनी से नहीं है, शो के अंदर कैनेडियन मेडिकल एसोसिएट जर्नल ने कुछ ज्यादा ही गौर किया और उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली कई सारे मेंटल इलनेस को काफी अच्छे से सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विनी का दोस्त पिगलेट, उसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, टिगर को ADHD है, रैबिट को OCD है, वहीं पर विनी को ईटिंग डिसऑर्डर है। वेल, डिज्नी के तो हमने कई सारे आइकॉनिक कार्टून्स देखे हैं, लेकिन बचपन में हम सब के बीच वॉर्नर ब्रोस के आइकॉनिक लूनी टून्स का भी फैंडम बहुत बड़ा था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लूनी टून्स के आइकॉनिक कैरेक्टर्स के पीछे भी रियल लाइफ कई सारे इंस्पिरेशंस थी? फॉर एग्जाम्पल, पोर्की द पिग कैरेक्टर के पीछे के इंस्पिरेशन थे एक्टर जॉन कॉब, जो एक चाइल्ड एक्टर थे और फैट कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, जहां पर इसकी आइकॉनिक शटरिंग वाली वॉइस जो डेखर्ती से आई थी, जो इस कैरेक्टर के सबसे पहले वॉइस एक्टर थे। वहीं पर बग्स बनी शुरुआत में पहले हैप्पी वैबिट के नाम से जाना जाता था, जिसका लुक काफी ज्यादा डिफरेंट था फाइनल बग्स बनी के डिजाइन से। लेकिन 1937 में रिलीज हुई पोर्कीज डक हंट के अंदर इस शॉर्ट फिल्म के को डायरेक्टर बेन बग्स हडवे से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई, स्पेसिफिकली उनके नाम को यहाँ पर बग्स बनी को दिया गया, जिन्होंने बाद में मिलकर बॉब क्लैम्पेट के साथ मिलकर इस कैरेक्टर को फर्दर डेवलप किया।
साथ ही साथ यहाँ पर बेन बक्स हार्डवे आइकॉनिक वुडी वुडपेकर की भी आवाज थे। डॉक्टर हाइंस स्टूफेंसमर्ट्स भले ही फिनियस एंड फर्ब के अंदर एक बहुत ही फनी कैरेक्टर था, लेकिन मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर्स में से एक है, जिसके साथ लोगों, जिंदगी और उसके अपनों ने बहुत बुरा किया। और ऐसे में कोई विलन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। जहाँ पर उसकी ओरिजिन स्टोरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसके बचपन में उसे बहुत टॉर्मेंट किया और उसे नॉर्मल बच्चों की लाइफ जीने से रोका और आगे जाके तो उसे छोड़ ही दिया, जिसके कारण उसे ऑकुलोट्स ने पाल पोस कर बड़ा किया। साथ ही साथ उसे सर्कस के अंदर बॉल की तरह यूज किया जाता था और घर वापस आने के बाद उसे गार्डन नूम की तरह यूज किया गया। ऑनेस्टली ये सारी चीजें ट्रेजिक तो है बट बहुत ज्यादा फनी। वहीं पर डिज्नी की तरफ से रिलीज हुई वॉली भी अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, लेकिन यहाँ पर वॉली के ओरिजिनल रोबोट के पीछे भी एक आइकॉनिक ओरिजिन थ्योरी है। जहाँ पर जैसा कि वॉली मूवी की शुरुआत में पूरी के पूरे अर्थ को एक वेस्टलैंड के रूप में दिखाया गया था, माना जाता है कि इन सब का जिम्मेदार वॉली ही है, जो एक्चुअली सारे के सारे रोबोट्स को खत्म करके उनके पार्ट्स को अपने पार्ट्स में यूज करता है। यही रीजन है कि वही इवेंचुअली धरती पर अकेला बच जाता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से अपने फेवरेट कार्टून्स की सीक्रेट के बारे में मालूम है। ऑल्सो ब्लेंडर गुरु वाले उस कोलैबोरेशन को सपोर्ट जरूर करिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।